यूपी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में देरी होने के कारण सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। आपको बता दें, एक इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी की वजह बताई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर हो रही देरी पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल और प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटरों में सीटें खाली होते ही कराई जाएंगी। पिछले 3 साल में 1,37,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की कार्रवाई को सफल किया है। प्रदेश में पहले ट्रेनिंग स्कूलों की क्षमता 6,000 थी, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया गया। अन्य राज्यों व पैरामिलिट्री सर्विसेज की ट्रेनिंग सेंटरों में भी अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। ये ट्रेनिंग सेंटर खाली होते ही यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। यही कारण है कि अभी चयनित लोगों के मेडिकल के लिए प्रतीक्षा करना पड़ रहा है। जैसे ही ट्रेनिंग सेंटरों की जगह होगी, इनका मेडिकल करवा कर प्रशिक्षण शुरू करवाया जाएगा। आपको बता दें कि सिपाही भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 13,924 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने चारों चरण में सफलता हासिल की, लेकिन इसके बाद भी नियुक्ति नहीं की गई। अभ्यर्थियों ने भर्ती बोर्ड और सरकार को कई बार लिखित में अवगत कराया, धरना दिया और उनके खिलाफ लाठीचार्ज भी हुआ, बावजूद इसके अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला। सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल उम्मीदवार लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठाते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज़।